एक मैंने एक फाइल बना रखी है जहां से आपको सारे वीडियोज मिलते हैं। वो फाइल, वो आपको मैं फाइल भेज देता हूँ, फाइल को आप सेव कर लीजिएगा। उस फाइल को सेव करने के बाद जो है आपको जो है वीडियोज़ के लिंक का वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं वीडियो अपडेट करूँगा आपको वहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये वीडियो आई है ना, इसमें ऑटोमेटिक मेरा सर्वर से लिंक है, जैसे मैं यहाँ से अपलोड करूँगा आपको वहाँ दिख जाएगा। इसमें आपको बस लॉगिन करना है, बस लॉगिन करना है। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि लॉगिन पासवर्ड दे दीजिए। नहीं, पासवर्ड आपकी मेल आईडी आपकी लॉगिन होती है। जाना है लॉगिन पे, क्लिक कीजिए, मेल आईडी डालिए एंड लॉगिन कीजिए। आपके डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद वीडियोज़ पे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिए। ये आपका सारे जितने भी क्लासेज होंगी, क्लासेज की वीडियो और साथ में उसका टाइटल्स के साथ आ जाएगा। क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक कीजिएगा वीडियो पे, आपका प्ले वीडियो का ऑप्शन आएगा। ये दो ये चीज़ें हैं, तो ये पॉपअप आता है ताकि आप इस पर क्लिक ना करो, क्योंकि वो स्टार्ट होता है ना वीडियो मेरा, इसलिए। डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर मैम सकते एक हैं। बार फिर से मतलब लिंक भेज दीजिए। जी, ये फाइल जब आपको मिल जाएगा ना, आपको खुद समझ में आ इसको जाएगा। बनाने के बाद क्या करना है? आपके फाइल जब मैं दे दूंगा ना, समझ में आ जाएगी आपको। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ओके, तो आगे बढ़े सर। पर हमने प्रोडक्शन मेथड पढ़ा था। प्रोडक्शन में कोई डाउट आपको? नहीं सर, अभी तो नहीं है। आज हम बाद में जा रहे हैं डेटा फिलिंग। उसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो सम की। यहाँ पे अगर कुछ नंबर दिए हुए हैं, अगर मुझे इसका सम निकालना है, इक्वल सम लिख के आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आपको जल्दबाजी है तो आप ऑल्ट इक्वल प्रेस कर देंगे तो भी आपका सम ऑटोमेटिक लग जाएगा। ऑल्ट इंटर प्रेस करके एंटर मार दीजिए, आप देखिए नीचे आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन ये लगता है सिर्फ सिक्वेंसली पे, बीच में अगर ब्रेक है, मतलब मान लीजिए कि बीच में अगर एक सेल में वैल्यू नहीं है। अगर एक सेल में वैल्यू नहीं है तो आगे नहीं लगेगा सर। ठीक है सर। और सिर्फ सम ही नहीं, आप यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन इनके शॉर्टकट्स नहीं है। अब हम डेटा फिल की बात करें तो जनरली मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर मुझे सेम चीज़ नीचे कॉपी पेस्ट करना है, चाहे वो फॉर्मूला हो या वैल्यू हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं और नीचे तक सेलेक्ट करके हम कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है हमारे पास। तरीका ये है कि सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी कर दीजिए, कंट्रोल आर फॉर राइट। ये आपका फिल डाउन होता है। क्या होता है? फिल डाउन, डाउन और राइट, अप और लेफ्ट के लिए नहीं, आपको यहीं से करना पड़ेगा। इसमें नया जो आता है सीरीज आता है। सीरीज जो है पढ़ने लायक चीजें हैं, चलिए सीरीज को हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मुझे सीक्वेंस लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 लिख के ड्रैग कर देते हैं ना। तो ड्रैग जो है कैसे, मतलब कि ड्रैग करने के, अगर मान लो ये फंक्शन किसका है, मतलब फंक्शन के जरिए करना हो, ड्रैग ना करना हो, तो कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग 1 लिखे,
सिलेक्शन किया और फिल सीरीज में जाते हैं। यहाँ पे लीनियर मतलब कि एक एक इंक्रीमेंट स्टेप वैल्यू, एक इस वैल्यू से दूसरे के वैल्यू में कितना गैप होना चाहिए। और आप यहाँ पे अगर जितना एरिया सिलेक्टर सिलेक्शन है सिलेक्टेड एरिया में पूरे में नंबरिंग करना चाहते हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। नहीं आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू है कि मैं 10 तक ही करना चाहता हूँ या 15 तक ही करना चाहता हूँ तो स्टॉप वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, ओके कीजिए। कितना सा आ गया, लेकिन लीनियर में ही हमारे पास ग्रोथ होता है, ग्रोथ मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन कर देता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको सीखने का जरूरत है हमको, हम तो नॉर्मली ड्रैग भी कर लेते हैं। कमलेश जी ये सीखने में कोई जरूरत बन रहा है? सुशील जी आपको कुछ लग रहा है कि सीखना जरूरी है? देखिए आप एक्सेल तक सीमित है, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देखें। देखिए अगर आप आवाज किसी के माइक से डबल होके आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रही आवाज? अब नहीं आ रही है, बाबर जी के माइक से आ रही है। तो मैं कह रहा था आपको कि इसकी जरूरत क्यों। देखिए अगर आप एक्सेल तक सीमित है तो इसकी जरूरत नहीं है सीखने की, क्योंकि आप इसको नॉर्मली ड्रैग भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लिखोगे, लिखने के बाद फिर आप फिल पे जाओगे, फिर सीरीज पे जाओगे, फिर नंबर देके डालोगे, इतना आप नहीं करोगे, वन टू लिख के ड्रैग कर दोगे। लेकिन अगर आप वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए करना हो तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा ना, कोड ड्रैगिंग का शॉर्टकट का नहीं होता है, आप कोड में नहीं लिख सकते कंट्रोल सी या डबल क्लिक, ऐसी चीजें नहीं लिख सकते आप, कोड में आपको उसका ऑप्शन देना पड़ेगा। तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वर्क कुछ ऐसे काम है जो कि हमें पता नहीं होते कि इसका ऑप्शन है एक्चुअली है कहाँ पे। जैसे कि बोल्ड, हम कंट्रोल वी कर देते हैं बोल्ड के लिए, लेकिन बोल्ड एक्चुअली फॉन्ट के अंदर में, अगर मैं वीवीए माइक्रो प्रोग्राम में लिखूंगा तो मुझे फॉन्ट के अंदर जाके बोल्ड को कॉल करना पड़ेगा, तो प्रोग्रामिंग में कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ डिटेल के साथ, ताकि आप प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोड नहीं पता है तो आप रिकॉर्ड करके देख सको, ठीक है सर? क्योंकि मेरा लेवल वन जो है ना, प्रिपरेशन ऑफ द लेवल टू है, हम लेवल टू के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, समझ गए सर? तो सीरीज में आगे बढ़े तो यहां पे ग्रोथ था। ग्रोथ लीनियर क्या करता है, जैसे नाम से पता चलता है, ये सिक्वेंसली इंक्रीज करता है, और ग्रोथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। इसमें डेट, हाँ डेट का हम अच्छा खासा यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने डेट यहां लिखा, एरिया सेलेक्ट किया, सीरीज और डेट में, अगर हमने डेट सेलेक्ट किया तो नॉर्मल जो हम ड्रैग करते वही रहेगा। लेकिन अगर मुझे वीक डे चाहिए, मतलब कि मैं सैटरडे एंड संडे इग्नोर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सैटरडे एंड संडे ना दिखे, तो वीक डे कर दूंगा ना मैं, इसको जरूरत हमें पड़ जाती है। जैसे कि कभी कभी अगर रोस्टर वगैरह निकालना हो या कोई बड़की परफॉर्मेंस निकालना हो, आपकी कंपनी सैटरडे एंड संडे ऑफ होती हो तो उस केस में। ठीक है, तो यहां से वीक डे, फिर यहां पे आपके मंथ आता है, तो ये सिर्फ मंथ दिखा, मंथ को इंक्रीज करेगा, और इसमें ईयर होता है जो कि ईयर को करेगा जी।
वीकडे था ना सर, इसमें सैटरडे एंड संडे गायब कर दिया इसने। दो दिन गायब है ना, सैटरडे एंड संडे। वीकडे का वीकडे इसलिए यूज होता है ना कि सैटरडे संडे नहीं रखता है। सेकेंड और हाँ, एक डेट आपने डाल दिया ना, इसलिए ऐसा नहीं कि आपने डेट जो मैनुअल टाइप कर दिया उसको रिमूव कर देगा, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके तो ये आपको समझ में आ गया सीरीज कैसे यूज करते हैं। सीरीज के बाद था जस्टिफाई। जस्टिफाई को देख लीजिए, जैसे कि हमने जैन लिख दिया, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च इस तरह से लिखना था। अब इसके लिए क्या करते हो आप लोग, कॉनकना नेट लगाते हो ना, सुशील जी क्या करेंगे, कॉनकना नेट के अलावा कोई और उपाय है आपके पास? हाँ सही बोला, लेकिन इसके लिए हम जस्टिफाई यूज कर सकते हैं। अरे जस्टिफाई ये नहीं करेगा कि तो आपस में ज्वाइन करेगा, जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जितना बड़ा कॉलम होता है वो कॉलम को डेटा को एक इकट्ठा कर देता है। देखिए बताता हूँ आपको मैं, उसके लिए हमें कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा। कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और बड़ा कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहां पे फिल के अंदर जस्टिफाई। तो ये इकट्ठा नहीं करता, अगर आपका कॉलम छोटा होगा तो फिर वो दो कॉलम में कर देगा, इसलिए कॉलम अगर बड़ा है तो सब ये करेगा। अब मुझे इस पर कॉमा चाहिए, तो उसके लिए हम रिप्लेस यूज कर लेंगे जी, स्पेस को कॉमा में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब मुझे इसको उल्टा करना है कि मेरे पास डेटा ही ऐसा आया, मुझे उसको रो वाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वाइस वर्सा चलेंगे कि कॉमा रिप्लेस विथ स्पेस, ठीक है, और फिर इसको सेलेक्ट कर दिया और फिर मैं जस्टिफाई कर देता हूं, हो गया। आया समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ ही छूट ना जाए, क्योंकि किसी ने हर किसी का किसी ना कुछ यूज ही है, क्योंकि आप सब, मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ ये छोटी सी ऑप्शन डालने में कितनी लंबी कोडिंग करनी पड़ती है, तो मैं किसी भी टॉपिक को मैं ये नहीं कर सकता कि ये फालतू है, आप नहीं यूज कर रहे हो, कोई और यूज करेगा। और हो सकता है कि अभी आपके पास यूज ना हो, अगर आपने जॉब स्विच किया या फिर आगे चले कोई ऐसा काम है जहाँ इस पर यूज पड़ जाए, तो पता रहेगा तभी तो यूज करोगे आप। बाबर जी कोई डाउट तो नहीं आपको? ओके अब इसमें एक चीज़ और आता है, वो आता है एक क्रॉस वर्कशीट। एक क्रॉस वर्कशीट, चलिए एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ, शायद इसका आपने यूज किया हो शायद ना किया हो। हाँ भैया, हाँ पहुँच गए क्लास में, ठीक है सीट मिल गया ना,
ठीक है, बिल्कुल। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो है तकरीबन 7-8 सीट्स हैं, मुझे हर सीट के A1 में डेट लिखना है और उसके आगे टुडे का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या करोगे आप लोग? जस्ट कॉपी पेस्ट करोगे ना, एक में लिख के फिर कॉपी पेस्ट करोगे क्या सर? देखिए, दूसरा तरीका है कि आप क्या कीजिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट पर सेलेक्ट कर लीजिए, इसको बोलते हैं ग्रुप। आपका सीट जो है पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट हो गया, जो कि आपके यहाँ पे हाईलाइट हो गया और ऊपर आप देख रहे ग्रुप आ गया। आ गया सर? अब मैं इस पे पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, एक साथ हर एक सीट पे पेस्ट होगा। ठीक है सर? कुछ भी करो, नॉट ए पेस्ट, अब टाइप भी कर दोगे तो पूरे पे जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे टाइम टाइप कर दिया और टाइम में मैंने अभी करेंट सिस्टम डे टाइम डाल दिया, तो ये जितने भी सिलेक्टेड सीट है सब पे और अपने बहुत, लेकिन सेम लोकेशन में। ठीक है, तो बोलोगे सर शिफ्ट के साथ पूरा सेलेक्ट हो जाता है, मुझे कुछ सीट सेलेक्ट करने होते हैं, कुछ इग्नोर करने होते हैं, तो आप उस केस में कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए। तो ये तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर कभी कभी आप इसको अक्रॉस वर्कशीट भी यूज कर सकते हो। तो देखिए, क्रॉस वर्कशीट में आप यूज करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑल, कि जैसे आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हो ऐसा करना है, या कंटेन, सिर्फ उसकी कंटेन मतलब कि पेस्ट एज ए वैल्यू करनी है, या फॉर्मेट, सिर्फ उसकी फॉर्मेट करनी है। ये समझ में आया? चेक करके दिखाऊं? क्योंकि इसके लिए फिर फॉर्मेटिंग रखनी पड़ेगी ना डेटा को। जैसे कि मैंने यहां पे फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, और हमने यहां पे कुछ डेटा भी डाल दिया। अब मैं यहां पे अक्रॉस वर्कशीट फील्ड में आके करूं, देखिए अक्रॉस वर्कशीट करने के लिए भी सिलेक्शन करना पड़ेगा, अक्रॉस सर ये सिलेक्शन सीट का करना पड़ता है। हाँ, सीट सिलेक्शन करना पड़ता है शिफ्ट के साथ सिलेक्शन किए। फिर मैंने यहाँ पे कंटेन पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया। तो देखिए, बाकी सीट पे जस्ट कंटेन आया है, इसका बॉर्डर वगैरह नहीं आया। तो ये आपका नॉर्मल कॉपी पेस्ट करने में और इसका करने में, ऐसे में क्रॉस वर्कशीट की जगह हम नॉर्मल ये भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, पेस्ट अजय फॉर्म पेस्ट स्पेशल भी कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग के पास एक्सेल कौन सा है? आप देखिए फिल्म में आपके पास ये ऑप्शन है फ्लैश फिल्म का, मेरे हिसाब से फ्लैश फिल नहीं है 10 में, 13 में ऐसे नहीं है ना। तो सीखना है फ्लैश फील, फ्लैश फील जो होता है जी, अभी देख लीजिए सर अपने आप करता है या खुद करता है, क्योंकि मूवी से पहले उसकी स्टोरी नहीं बताई जाती है, देखने का मजा नहीं रहता, क्योंकि हर मूवी की एक ही स्टोरी होती है, एक लड़का लड़की उन्होंने प्यार होता है, बाप बिलर बनता है। सुनिए 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 सुनिए, चाहे मूवी जो भी बने, एक लड़का और एक, सुनिए सुनिए, मूवी चाहे जहाँ की बने, एक लड़का और एक लड़की जरूर होता है और उनके बीच में कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो
कोई भी स्टोरी, कोई भी स्टोरी ले लो, एक लड़का या लड़की जरूर होता है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो मेरे पास यहाँ पे नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सुजीत, सुजीत को अलग करना। तो मुझे, हम लोग लेफ्ट राइट या फिर टेक्स्ट टू कॉलम फॉर्मूला करते हैं ना, इसकी करने की जरूरत नहीं है। सुजीत लिखिए और कंट्रोल एंटर मारिए, नॉर्मल एंटर मत मारिएगा, कंट्रोल एंटर। उसके बाद आप फ्लैश फील्ड, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग अपने आप फर्स्ट नेम अलग कर देगा। ऐसे आपको लास्ट नेम अलग करना है तो यहाँ पे कर दीजिए सिंह, SINGH सिंह, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल प्लस ई, या फिर फ्लैश फील, ठीक है। ये सिर्फ इसमें भी नहीं होता है, मान लीजिए कि मैंने डेट लिख दिया, तो इसमें मान लीजिए सिर्फ मंथ अलग करना है, तो बस यहाँ पे आप जुलाई लिखिए और कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई, या फिर फ्लैश फेल, मंथ अलग हो गया। ऐसे अगर आपके नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं, मुझे इसके लास्ट के दो डिजिट अलग करने हैं, 52 और कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई, या मुझे फर्स्ट के अलग करने हैं 85, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कंट्रोल ई, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा आपको कर्सर ले जाते, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही करो, मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, मुझे 6 अलग करना है, मैंने 6 सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई कर दिया। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, हाँ नहीं 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 सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे इसको चेंज करना है ना, यहाँ पे तो अलग हो गया, तो कंट्रोल एंटर मार दीजिए एंड कंट्रोल ई कर दीजिए वापस, नहीं होगा नहीं। नहीं होगा, एक बार हो गया तो नहीं होगा, डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे डेसिमल्स, कॉमा, जो भी सेल वैल्यू से जो भी अलग करना चाहते हैं, डिजिट के हिसाब से या मंथ के हिसाब से या लेटर के हिसाब से या डॉट के हिसाब से, वो आपको फ्लैश फील अलग कर देता है, ठीक है सर। अब बात करते हैं क्लियर की। क्लियर में मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पूरी की पूरी क्लियर करनी है मुझे, तो क्लियर ऑल पूरा क्लियर कर देता है, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बस क्लियर ऑल कर दीजिए, या फिर क्लियर फॉर्मेट, जैसे उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, क्लियर कंटेंट, जैसे डिलीट प्रेस करते हो, कमेंट कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक करता है, हाइपरलिंक पता नहीं क्या होता है, होता है सर, पता है आपको हाइपरलिंक क्या होता है? जिस पे हैंड का निशान आता है, ओ तो आप आज आपने फिल और क्लियर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है, और कल मैंने आपको प्रोटेक्शन मेथड के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया था। उसके अलावा अगर आप बोलोगे कि कुछ छूट गया है, जैसे कि फॉर्मेट एज ए टेबल है, तो बड़ी बड़ी फॉर्मेट इसको सेलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं, उस फॉर्मेट में आ जाएगा आपका, जो फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे आप, या फिर आप नेक्स्ट आता है कलर स्टाइल है आपका, ए मतलब कि स्टाइल्स में आ जाएंगे आपके कलर, जो भी स्टाइल सेलेक्ट करो। दूसरा है इंसर्ट करना, कि आप इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट, इंसर्ट कर सकते हैं, सेम आप डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट में सेम आप देख लीजिए, रो की हाइट, कॉलम की विड्थ, ये चीज़ आप अलग कर सकते हैं, सेल की हाइट अनहाइट कर सकते हैं, तो नॉर्मल चीज़ है ये, आपको मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि ये लोली आपको आता ही होगा।
तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, पेस्ट से लेके इस पे ऑटोफिल क्लियर तक जो है एक बार दोबारा देख लीजिए कि कौन कौन चीज़ें आपको नहीं आती है, उसको हम कल की क्लास में आपको रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेटा हैंडलिंग में शॉर्टिंग फिल्टर और डेटा समराइजेशन आता है, मतलब कि हम शॉर्टिंग फिल्टर करेंगे फिर पिवट करेंगे, ठीक है सर। और इसकी रिकॉर्डिंग की जो फाइल है मैं आपको अभी मेल कर देता हूँ, आप लोगों ने जो मुझे मेल आई डी दे रखा है ना उस मेल आई डी को डाल के आप लोग कर सकते हैं, और पता कि सारी रिकॉर्डिंग उसमें मिल जाएगी, सारी के सारी, और सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर आ जाएगी आपके पास। हाँ डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा सर, उसमें प्ले भी कर सकते हो डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं